और बहुत सारा गोश्त जो है वो आप खाएंगे, तो इसके लिए प्रिपरेशन अभी से हो जानी चाहिए। थोड़ा सा डिटॉक्स भी करना शुरू कर दें अभी से, अपने आप को कम गोश्त खाना शुरू कर दें ताकि बाद में आपके पास ज्यादा टाइम हो, ज्यादा जगह हो खाने की। अच्छा जी, आज जो मैंने आपको बात बतानी है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर पूरा शो हो सकता है और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह शो करेंगे भी। और हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट होती है उनके पेरेंट्स के रोल से। एक माँ का रोल, एक बाप का रोल, एक बेटे और एक बेटी के लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं जो ट्रिकल डाउन करती रहती हैं और उसकी वजह से हम लोग कभी उन्हें क्वेश्चन नहीं करते। आपको एक जमाने में मैंने एक मिसाल दी थी, एक दफ़ा दोबारा दूंगी, कि कुछ बंदर थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और वहाँ पर होता ये था कि एक सीढ़ी रखी हुई थी और सीढ़ी के ऊपर जो है वो उनके लिए केले रखते थे। और जब भी कोई बंदर उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ता था केले जो है वो खाने के लिए, जब भी सारे चढ़ते थे तो वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी गिराते थे, तो वो बंदर जो है वो डर के वापस नीचे आ जाते थे। फिर उसके बाद दोबारा जब भी उन्हें खाना देना होता था तो वो सीढ़ी के ऊपर जो है वो केले रखते थे और जैसे ही वो सारे बंदर ऊपर जाते थे तो उनको पानी मारते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनको ये कंडीशनिंग हो गई कि जब भी ऊपर केला रखा जाता था उसके सीढ़ी के, तो वो बंदर जो है डर के मारे ऊपर जाते ही नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो है कुछ जो पुराने बंदर थे वो वहीं पर थे और उन्होंने नया बंदर जो है बीच में एक इंट्रोड्यूस किया, और उसको क्योंकि इस प्रैक्टिस का नहीं पता था तो वो जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ता था तो वो जो सारे बंदर थे वो उसको पकड़ के मारना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई एक भी अगर उस सीढ़ी पे जाएगा तो ऊपर से जो है वो पानी गिरेगा। फिर उन्होंने ये किया कि वो सीढ़ी वहां से, सीढ़ी वहीं पर थी, खाना भी उधर आता था, लेकिन उन्होंने ऊपर से पानी फेंकना छोड़ दिया। और उसके बावजूद कभी भी अगर कोई भी बंदर उस सीढ़ी की तरफ जाता था, पानी बेशक वहां नहीं भी गिरता था, तो वो जो सारे जो बंदर होते थे वो उसे पकड़ के नीचे लेकर आते थे और उसको मारना शुरू कर देते थे। ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर में कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जिनका कभी कोई सेंस बनती थी, शायद कभी किसी जमाने में वो रिलेटिवली ठीक थी या पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो वो उस वक्त के जमाने से जो है वो रोल्स बिल्कुल ठीक होते थे। लेकिन अब चेंजिंग दौर के साथ, चेंजिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, हर चीज इतनी तेजी से आगे चली गई है कि उस हिसाब से वो प्रैक्टिसेस अब रिडंडेंट हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग उसी तरह का ट्रेन हुआ है, तो हम नए लोग कोई नई बात करने के लिए आता है कुछ भी, तो हम उसको वो प्रैक्टिस नहीं करने देते। इसी तरह की मिसाल है कि हम बेटियों को पर्दे में छुपा के अब्बा जी के सामने आना ही नहीं है, आना है तो बात नहीं करनी, अगर कोई बच्ची अम्मी के साथ बात करते हुए हंस रही होगी तो जैसे अब्बा जी कमरे में आएंगे तो बिल्कुल चुप हो जाएगी और बस एक शक्ल अफसुरदा सी बना लेगी, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि एक बाप और बेटी का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। जो पहला मर्द इंट्रोड्यूस होता है एक औरत की जिंदगी में वो उसका बाप होता है। जिस तरह वो उसकी माँ को ट्रीट करता है वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब वो बड़ी होगी तो वो आगे अपने हस्बैंड में क्या देखती है। अगर वो उसकी माँ को मारता पीटता है, उससे गाली गलौज करता है, उसे इज्जत नहीं देता, उसका घर में कोई राइट नहीं है, तो उसकी बेटी को ये लगेगा शायद औरत का यही मकाम है, शायद बीवी का यही मकाम है, शायद जब मैं शादी करूंगी और मेरा मियाँ अगर मेरे साथ ऐसे बात करता है तो वो ठीक है, क्योंकि पूरी जिंदगी मेरे बाप ने भी मेरी माँ को ऐसा ही ट्रीट किया है। लेकिन अगर वो बाप शफकत से बात करता है अपने बच्चों से भी, अपनी बेगम से भी, अगर वो प्यार से बात करता है, वो उसकी बात सुनता है, घर के डिसीजंस में अपनी बेगम को इन्वॉल्व करता है, मारपीट नहीं करता, कोई जाहिलाना हरकत नहीं करता, तो वो बेटी जो है कभी भी अपनी ज़िंदगी में जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कभी भी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देगी जो उसकी इज्जत ना करे, जो उससे बदतमीजी से बात करे, जो उसके घर वालों की इज्जत ना करे, जो उसके अंदर शफकत ना हो, जो एक नरम दिल इंसान ना हो। तो बाप जो है वो अपनी बेटी बेटियों के लिए एक मॉडल होता है। तो बेटों के साथ तो हर किस्म की गप होती है बाप की, लेकिन बेटियों की जब बात आती है तो माओं का ये कसूर होता है कि वो फौरन बस साइड पे करके, नहीं नहीं बाप के साथ बैठना भी नहीं है, नहीं बात नहीं करनी, नहीं उनके सामने हंसना नहीं है, नहीं उनसे ये नहीं करना, एक खौफनाक सा फिगर बना के उनको रखती है। और जिन बच्चों की ये रिसर्च है अपने बाप के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, जिनको सपोर्ट उनके बाप की नहीं होती है, उनकी वीकर पर्सनालिटीज होती हैं, वो आगे जाके अपने लिए स्टैंड उतने उससे नहीं ले सकती हैं कॉन्फिडेंस से, जितनी वो बेटियां जिनके बाप जो है वो जो है पुरशफीक कहते हैं उन्हें, है ना, जिनकी शफकत होती है, जिनके अंदर जो प्यार से उनसे बात करते हैं, जिनकी हमेशा बैक होती है अपनी बेटियों के लिए। तो ये रिश्ता जो है ये आपको बनाना है अपनी बेटियों के साथ, या आपने अपनी बेगमात को भी समझाना है कि मैं एक डॉन नहीं हूँ जो घर में आ जाए तो सब जो है अपने अपने कमरों में भाग जाए और बस खाना बनाना है और ये करना और वो करना है, मैं भी एक इंसान हूँ, इस फैमिली का हिस्सा हूँ, और साथ बैठना, बातचीत करना, अपनी हर चीज़ जो है वो डिस्कस करना अपने माँ बाप के साथ, उनसे शेयर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाप ना ही सिर्फ बेटियों के लिए बल्कि बेटों के लिए भी ये मिसाल होते हैं कि जो बेटा अपने बाप को देखेगा कि जैसा वो घर में एक्ट करता है
उसको लगेगा कि कल को अगर मेरी शादी होती है और मैं इस तरह घर में बिहेव करूं तो वो ठीक है. इसीलिए जो एग्जांपल्स माँ बाप सेट करते हैं वही जो है वो बच्चे फॉलो करते हैं. तो कुछ चीज़ों के लिए अकल लड़ाया करें, सुनी सुनाई बातें या सुनी सुनाई प्रैक्टिसेस को ही आगे लेकर ना चला करें. कुछ रूल्स अपने भी बनाएं, कुछ आपका ज़मीर आपको कभी भी कुछ गलत नहीं करने देगा. और जो हमारा बेसिक पैगाम है हमारे रिलीजन में हमारे कल्चर में है वो है एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बात करने का, किसी का दिल ना दुखाने का, एक दूसरे की इज्जत करने का और प्यार और अमन से आगे बढ़ने का. तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस है तो आप अगर अपनी कुछ प्रैक्टिसेस ऑल्टर भी कर लेते हैं तो उसे कभी ख़राब नहीं करेंगी. तो ये मेरा पैगाम आज आपके लिए. गेस्ट में अनाउंस करती चलती हूँ, हमारे साथ होंगी हमारी बहुत ही प्यारी मिसेस हशमत जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड. आपके बहुत सारे सवाल हम तक पहुँच चुके हैं और आप कॉल करके भी कोई अगर आपको मसले मसाइल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं. हमारे साथ होंगे मुफ्ती ज़मीर साजिद साहब जो कि बात करेंगे हज के हवाले से और क्या क्या प्रोसेस हैं जिससे गुजरना पड़ता है, क्या तैयारियां होती हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो अप्लाई होते हैं हज को. हमारे साथ होंगी सलमा खान जो कि नात ख्वाह हैं और यहाँ पर पढ़ेंगी एक बहुत ही खूबसूरत सी नात. और हमारे साथ होंगे शेफ़ वसीम जो कि आज बना रहे हैं मटन खरा मसाला. ईद के दिन बहुत नज़दीक है, बहुत सारे बकरे जो हैं उनकी कुर्बानी होने वाली है तो बहुत सारा मटन भी घर में आने वाला है. तो आपको हम वो डिशेज़ बता रहे हैं जो आप ईद पर बना सकें. तो मटन खरा मसाला जो है वो हम आज आपको बनाना सिखाएंगे. छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप साथ. वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. हमें ज्वाइन किया यहाँ पे द वेरी ब्यूटीफुल द एवरग्रीन मिसेस हशमत. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ईद की आमद आमद है. आमद आमद है. क्या तैयारी है ईद की? ये तो बच्चों की होती है तैयारियाँ, तो आप लोगों ने की होंगी. अच्छा, लेकिन फिर भी घर में गोश्त आना होता है, चीजें पकानी. वैसे शौकीन है आप गोश्त की? पसंद है कि नहीं? पठान तो वैसे भी गोश्त है ना. मैंने कहा ये कह ना दे कि मुझे गोश्त नहीं पसंद. मैंने कहना था मिसेज में पठान ये बात नहीं कर सकते. सुंदर साहब को बुलाऊंगी अपने खाने पे, फिर देखना गोश्त कैसे होता है. बस ठीक, मुझे इंतजार है. मैं मुझे इंतजार है मिसेज में के हाथ में. मुझे लगता है वैसे इंशाल्लाह 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 है ना, फिर हम बनाएंगे. अच्छा, आज बहुत जरूरी है कि हम थोड़ी सी बात करें क्योंकि बहुत ज्यादा गोश्त जो है खाना है सबने आगे. ये जो कुछ दिन होंगे, कुछ दिन तो खैर ईद के दिन तो होते ही हैं और खवातीन ईद के दिन सरप्राइजिंगली इतना गोश्त इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो सफाई में और उसको रखने में पकाने में खुद दिल भर जाता है. हाँ, पकाने में बंदे का दिल इतना ज्यादा भर जाता है. लेकिन उसके बाद जो ये एक महीना होता है ना जिसमें आपके घर इतना फ्रीजर में गोश्त होता है, रोज बन रहा होता है, हर डिश गोश्त की बनती है, गोश्त की बनती है, तो इसमें अपने आप को मतलब इससे कोई नुकसान होता है इतना ज्यादा गोश्त? बिल्कुल भी होता है, बिल्कुल भी होता है. गोश्त के नुकसान से बचने के लिए आप गोश्त जो पकाएं उसमें आप थोड़ा सा कद्दू डाला करें. कद्दू वो अच्छा. जो यूरिक एसिड होता है, जो तेजाबियत होती है, वो कद्दू की वजह से सबसाइड हो जाती है. अच्छा. थोड़ा बैलेंस हो जाता है. अच्छा. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. और दूसरी ये कि गोश्त के साथ आप दही लिया करें. दही डाइजेस्ट करते हैं गोश्त को. सही. और गोश्त के बुरे असरात को भी और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है. बिल्कुल. डायुरेटिक भी है तो ये. और ग्रीन टी. ग्रीन टी. सही. हाँ, तो ये गोश्त के साथ कुछ एहतियातें हैं जो हमें करनी चाहिए. तो फिर आप थोड़ी सी आपकी बचत होती है. और जिन लोगों को यूरिक एसिड है तो वो तो थोड़े से एहतियात इसलिए करें कि ये प्रोटीन है और प्रोटीन हमारे यूरिक एसिड को और भी बढ़ाता है. और भी बढ़ाता है. जिनको प्रोटीन यूरिया है, गुर्दे की तकलीफ है, उनकी भी प्रोटीन बढ़ सकती है. अच्छा. हाँ, अगर एक बोटी खा ले या अगर उसके शोरबे के साथ खा ले तो कोई बात नहीं है. कोई बात नहीं. लेकिन बहुत ज्यादा गोश्त, नमकीन गोश्त ही नहीं खाना. नहीं नहीं. और अगर खा ले तो आप दबा के जितना दही खा सकते हैं आप दही खा लें तो उसको डाइजेस्ट कर लेता है. और वैसे भी आजकल कद्दू कितना आया हुआ है मार्केट में. बिल्कुल. आप उसके कुछ टुकड़े डाल दे पकाते वक्त ताकि वो सब्साइड हो जाए, आपको तकलीफ ज्यादा ना दे. तकलीफ ना दे. कितनी अच्छी हमने आपको ये टिप दी है कि कोई भी आप डिश बना रहे हो उसमें थोड़ा सा कद्दू जो है वो जरूर डाल दिया करें. और कद्दू गोश्त तो मेरी वैसे ही बड़ी फेवरेट डिश है. हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट डिश थी और वो उसमें ढूंढा करते थे कद्दू के टुकड़े खाने के लिए. देखिए जरा है ना कितनी, और बहुत मजेदार होती है उसको बनाए और कितनी मुफीद है. हाँ, कि कितनी वो अच्छी फायदा कितना है. अच्छा, अक्सर लोग जो है वो कहते हैं बड़ा गोश्त अच्छा होता है या छोटा गोश्त होता है खाने के लिए, तो ज्यादा जो है रेड मीट में कौन सा आप प्रेफर करेंगे? असल में जो गाय का गोश्त है उसमें बहुत ज्यादा यूरिक एसिड है. अच्छा. और ये भी अल्लाह ताला की कानून है क्योंकि जो गाय है उसके दूध, उसका मक्खन, उसका घी दवाई है. रोहन एजाद कहते हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उसके गोश्त में इतना ज्यादा डाला है ताकि वो ज्यादा जिबा ना करे और लोग ज्यादा वो गोश्त ना खाएं. ना खाएं. सही. बीफ फिर उससे कम है. है उसमें भी लेकिन गोश्त से ज़रा कम है.
अच्छा। कभी कभार ले लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, लेकिन छोटा गोश्त बेहतर है। छोटा अगर आपको यूरिक एसिड का जो है वो नहीं, यूरिक एसिड में छोटा भी बेहतर नहीं है। इवन के फिश में सबसे अच्छा प्रोटीन है वो भी बेहतर नहीं है। अच्छा, जो भी प्रोटीन है उसमें ना, आपने बेसिकली प्रोटीन को अवॉइड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके साथ एहतियात करेंगे, सौंफ सनामुखी का आप कावा पियेंगे तो आपका यूरिक एसिड उस तरह से निकल जाता है बॉडी से। यूरिक एसिड हमारा क्या चीज निकालता है, दूध निकालता है, स्किम दही निकालता है, लस्सी निकालता है, गाजर निकालता है, लिक्विड जो भी हो वो निकालता है, सिट्रस फ्रूट, यूरिक एसिड हमारी बॉडी से निकालते हैं, यानी वो चीजें जो डायोरेटिक होती है। अच्छा, धनिया, उसमें विटामिन सी भी बहुत ज्यादा है। एक मुट्ठी धनिया ले लें, जिनको यूरिक एसिड है आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। एक मुट्ठी धनिया एक गिलास लस्सी में ब्लेंड करके दिन में एक बार पी लें, देखिए आपको कितना फ्लश होता है और कितना आप फ्रेश फील करते हो, फ्रेश फील करते हो, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अच्छा, जबरदस्त, यूरिक एसिड भी निकलता है। अच्छा, यूरिक एसिड बढ़ने से फिर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, उससे आपका फिर मूड स्विंग्स भी खराब होता है। असल में ये यूरिक एसिड है क्या चीज, क्या किस वजह से होती है, इसकी तीन वजह है, किडनी मेल फंक्शन, प्रोटीन और फैटी लिवर। ये जो किडनी और ये है क्या नाम है लिवर, ये आपस में बहुत करीब करीब है। किडनी को तकलीफ है तो लीवर में, लीवर में तकलीफ है तो किडनी को भी तकलीफ होती है, जिसकी वजह से हमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तीन वजह है, वेजिटेरियन लोगों को भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ये नहीं कि उन्होंने प्रोटीन लिया होता है, ये वजह होती है। लेकिन निकालती ये चीजें हैं, कितनी आसान चीजें हैं खाने में। यहाँ के लोगों के लिए धनिया है, बाहर के लोगों के लिए सेलरी है, सेलरी भी धनिया की ही आगे आपने खाना है गोश्त। गोश्त इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिंग योर यूरिक एसिड के लेवल, तो आपने उसके साथ ये इसीलिए तो हमारे चटनियां बना ले, दही रख ले साथ में और कम इस्तेमाल करें जो वो और भी ज्यादा, लेमन का ज्यादा इस्तेमाल करें, अच्छा लेमन की आपकी बॉडी फ्लश करे, ताकि इससे फ्लश आउट हो जाए। हाँ। तो अपना ख्याल आपने बहुत करने, खाएं गोश्त खुल के लेकिन साथ साथ लस्सी और इस तरह की चीजें बैलेंस करें। वो ठीक है। अच्छा, गोश्त खाने से एड़ियों में बहुत दर्द होती है, कितनी मकदार में गोश्त खाना चाहिए रूसा रावलपिंडी? असल में ये तो यूरिक एसिड होता है जो एड़ियों में दर्द होता है। अच्छा। और ये गोश्त की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। अच्छा, वही कनेक्शन है ना, गोश्त खाया यूरिक एसिड बढ़ा उससे आपकी एड़ियों में। जो यूरिक एसिड के मरीज हैं वो ये कावा जरूर अपने लिए बनाएं, सना मक्की सौंफ और छोटी इलायची। मैं दोबारा बताती हूँ, सना मक्की, सना के असल में पत्ते हैं जो मक्के में पैदा होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सना मक्की। अच्छा, सना मक्की सौंफ और छोटी इलायची, ऐसे ऐसे यूरिक एसिड निकालती है, ये डायोरेटिक है। इसका बराबर वजन लेकर पीस कर एक चाय का चम्मच एक कप पानी में उबाल लें और एक चम्मच शहद मिक्स करके आप ये पी लें, शहद ना भी तो वैसे भी पी लें। सही। और अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, ठीक। वैसे भी ये बड़े मजेदार कावा होता है। अच्छा, और दो दिन में दो बार पी लें, ठीक। और लेकिन इसके मतलब आपकी किडनी की भी हिफाजत हो गई है और आपका यूरिक एसिड भी निकल गया, यूरिक एसिड भी ठीक हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप दबा के गोश्त खाएं फिर आप कावा पिए, ये आपका रेगुलेट करने के लिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो ईद हो या ना हो, ना हो, बिल्कुल। अच्छा जी, मेरा स्टमक गोश्त खाने की वजह से अपसेट हो गया है, इस गोश्त को हजम कैसे किया जा सकता है और पेट बहुत सख्त हो गया है? आयशा, गोश्त की वजह से कब्ज हो जाती है। अच्छा, आप ये तो कह रही है मेरे पेट मेरा अपसेट हो गया है। नहीं नहीं, अच्छा वो मतलब ठीक है, पेट गोश्त की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है क्योंकि उसमें तो फाइबर इतना नहीं है तो इसलिए। अच्छा, फाइबर जरूरी होते हैं, फ्रूट में होता है, बगैर छने आटे में होता है, सफ़ेद तिल में होता है, तुख मलंगा में होता है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए। सबसे ज़्यादा बेहतर है वो इंजीर है, आप खाने से पहले इंजीर खा लें फिर अपना खाना खा लें, खाने के बाद एक चम्मच सफ़ेद जीरा और दही ले लें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ठीक हो जाएगा। मेरी दाढ़ से खून आना लगा है, दाढ़ से खून आना तेज मसालों की वजह से? नहीं, ये दांतों का मसला, दांतों की डॉक्टर, और मुँह में छाले भी पड़ गए। मुंह में छाले तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पड़ते हैं और वो जब कम हो जाते हैं तो हमारे मुंह में छाले पड़ते हैं, और वो क्यों होता है कि जब हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं या हम ज़्यादा हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है या ज़्यादा हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो जबान पक जाती है। सही। तो उसके लिए सर्विक्स टी बी कॉम्प्लेक्स ज़रूरी है और थोड़ा रिलैक्स रहें और कुलियाँ करें, मेहंदी के पत्ते उबाल लें, उसके पानी की कुलियाँ करें। अच्छा।
उससे ये छाले जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और हो सकता है आपकी ये जो दाढ़ से खून आ रहा है, दाढ़ से नहीं, ये हो सकता है उससे आ रहा हो, छालों का हो या नहीं, 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 वो नहीं हो सकता। अच्छा, दाढ़ के, फिर दाढ़ के दर्द के लिए हो सकता है उसका इन्फेक्शन हो गया हो। उसके लिए कोई है होम रेमेडी की अगर आपके दाढ़ में दर्द हो रही? मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि दांत बड़ी कीमती चीज है, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, सीधा जाए डॉक्टर के पास। ये उस वक्त होता है जब आपका इन्फेक्शन बहुत नीचे तक चला जाता है। वैसे तो आप लौंग दबा के रख लें, आप लौंग का तेल एक उसमें एक कतरा डाल लें, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो जिंजर आप दबा लें, आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। आप दोपहर खाने में कच्चा प्याज जरूर उस तरफ खाएं जहाँ इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकते क्योंकि वो बड़ा नीचे किया होता है। तो आपने डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना है। और ये जो हमारी अकल दाढ़ें होती हैं, ये प्रूवन है कि इनका कोई फंक्शन जो है वो आगे जाके हमारे मुंह में नहीं होता है। तो बजाय इसके कि वो खराब हो, अगर आपके मुंह में स्पेस नहीं है, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो आपको पहले ही बता देगा, तो जवानी में निकलवा लेना ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि इनका फंक्शन आगे जाके भी कोई होगा नहीं। ये जितना आप छोड़ेंगे, जितना आप बड़े हो जाएंगे, फिर बुढ़ापे में जाके जब आप निकालते हैं फिर जख्म हील नहीं होता। बिल्कुल। तो अपने जो है डेंटिस्ट से मशवरा करें, ज्यादा से ज्यादा मसले जो हैं वो इन्हीं के अंदर, इन्फेक्शन हर चीज जो है वो यहीं पर होते हैं। अच्छा, जवेरिया इस्लामाबाद से पूछती है कि मेरे जिस्म में भारी भारी पन सा फील होना शुरू हो गया है, हर एक के घर में गोश्त खाने से अच्छा वजन भी ज्यादा बढ़ गया है, इसका क्या हल है? क्या मैं पहले जितनी पतली हो सकती हूँ? अपने खानों में एप्पल साइडर विनीगर ऑर्गेनिक, उसके लिए हदीस शरीफ है कि इसमें बरकत है। असल में हमें सेहतमंद रखता है एप्पल साइडर विनीगर। हाँ, अच्छा। वजन भी बढ़ने नहीं देता। किस तरह इसको खाने? आप लस्सी में डाल दें, आप अपने सालन के ऊपर डाल दें, आप प्याज के ऊपर डाल दें, जैसे पहले लोग सलाद के ऊपर डाला करते थे। तो आपका एक तो वजन नहीं बढ़ेगा, और दूसरा ये है कि एसिडिटी नहीं होती है। अच्छा। तीसरा ये कि जो अंदर जरासीम होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और ये भारी भारी फील होना जो होता है, मोटापा है और कुछ भी नहीं, बस मोटापा है। अपना एक्सरसाइज करें, पानी ज्यादा पिए। यहाँ पानी नहीं पिया जाता, एक्सरसाइज नहीं होती, तो जाहिर है उसकी खाना किधर जाएगा। और एक टाइम का खाना कोई मिस नहीं करता। इस्लाम में ये है कि आप हफ्ते में 2 दिन रोजा रख लें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन रोजा रखा करते थे। आपको कभी ना मोटापा होगा, ना तो आपको मैदे की तकलीफ होगी। वाकई आप वो डिटॉक्स हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ हो जाती है। सुन्नत भी पूरी हो जाती है, सवाब भी मिल जाते हैं, और हमारा वजन भी सही रहता है, बीमारियों से भी दूर रहते हैं। बिल्कुल। ये आखिरी सवाल मैं पूछ रही हूँ, ये थोड़ा सवाल आपका जो है ना वो अभी ठीक हो जाएगा। बीपी हाई होने की वजह से आंखों में खून क्यों आ जाता है और इसका इलाज क्या है? ये जो आंखें लाल सी नहीं हो जाती, ये तो बड़ी एक्यूट कंडीशन होती है। अच्छा, जब इतना बीपी हाई हो जाए कि आंखों के ऊपर भी आ जाए, तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। लेकिन बीपी के लिए बेहतरीन चीज़ है जो का दलिया, जो का पानी, जो चीज़ भी डायोरेटिक होती है, यानी जो पेशाब आवर होती है, वो आपका बीपी काम करती है। और फ्रूट में बहुत ज़्यादा हमारा पोटेशियम होता है, सोडियम कम होता है, तो हमें ब्लड प्रेशर में मदद देता है। आप एक सेब रोज़ाना खाएं, उसमें भी ज़्यादा होता है। आप इंजीर खाएं, वो भी आपका बीपी के लिए बहुत अच्छा है। अपने डॉक्टर से तो ज़रूर रुजू करें। और नमक अपने खुराक में कम कर लें, जौ का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, और नाश्ते में जौ का दलिया। लेकिन जब आप जौ का दलिया पका लेते हैं, उसके ऊपर 1 चम्मच अलसी पिसी हुई ताज़ा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी करते हैं, हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। अच्छा। हमारे मसाने को भी ताकत देता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, कद बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। कितने फ़ायदे हैं इन चीज़ों के। और 3 अखरोट, 11 बादाम, 11 पिस्ता, 21 किशमिश, ऊपर से दूध डालें, बेहतरीन नाश्ता है और आपके ब्लड प्रेशर का भी इलाज है। जबरदस्त, कितना अच्छा ना, ये कितना हेल्दी ओट मील जो है आपका बन गया है सुबह के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय डियर, थैंक यू आपसे। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी ईद के बाद ही। हम सबको ईद मुबारक एडवांस कह देते हैं। ईद मुबारक हम एडवांस में कह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैव अ वंडरफुल ईद। आपको मैं तो पर्सनली भी विश करूंगी। जरूर जरूर, बड़ी खुशी होगी। थैंक यू। छोटी सी ब्रेक के टाइम पर ब्रेक करते हैं आप सारे। मेहकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे मुफ्ती जमीर साजिद साहब ने, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं जो मैं चाह रही थी कि शायद बहुत सारे लोग भी इस वक्त सोच रहे हों, और हम यहाँ पर क्लियर कर दें तो अच्छा होगा। और आगे ईद आ रही है और हज के दिन है, तो बहुत मुबारक टाइम जो है ये चल रहा है इस वक्त।
तो हम लोग जरा शुरू करते हैं, क्योंकि कुर्बानी का जानवर बहुत से लोगों ने तो ले लिया होगा, बहुत सारे लोग आज भी जो है वो चुन रहे होंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए है ये जानवर चुनते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि क्या इसकी जो उम्र है वो मेयार के मुताबिक है, ठीक, या इसमें कोई नक्स तो नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होती है, और जानवर देखने में खूबसूरत मालूम हो और अच्छा मालूम हो, एक प्यारी चीज़ जिसे अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, बिल्कुल, तो ये औसाफ उसके अंदर होने चाहिए। सही। और जब कोई शख्स अल्लाह की राह में कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदता है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। और इस कुर्बानी के हवाले से ही सहाबा किराम ने सवाल किया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो आपने फरमाया कि ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है? आपने फरमाया कि बिकुल इशारतिन हसना, कि हर बार के बदले में उसके तुम्हारे लिए नेकी है। तो फिर सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जो ऊनी जानवर हैं तो उनके बारे में आपका क्या इरशाद है? तो आपने फरमाया कि ऊनी जानवर की हर बाल के बदले में भी नेकी है। तो नेकियों का तो कोई हिसाब नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ बेहद व बेहिसाब हैं। लेकिन कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए, पूरी दयानदारी के साथ और पूरे होश हवास के साथ उसको खरीदें ताकि कोई किसी नक्स की वजह से कुर्बानी ज़ाया ना हो जाए। अच्छा, पूरी बात तो इसी में समा गई कि अगर आप अल्लाह की राह में कुछ कुर्बान कर रहे हैं तो उसको आप कभी भी जो है वो कोई दूसरी थॉट नहीं देंगे, मतलब कोई सेकंड हैंड चीज़ या कोई ऐसी कमतर चीज़ नहीं हो सकती, वो सबसे आला चीज़ जो आपकी इस्तेआत के मुताबिक जो आप सबसे अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं वही होनी चाहिए, सबसे आला ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे आला होनी चाहिए। और ये देखा जाए कि जो कुर्बानी का दिन है उस दिन इस जानवर की क्या अहमियत है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसको कितना ज़्यादा दर्जा दिया जाता है और कितना ज़्यादा कुर्ब हासिल होता है उस शख्स को जो अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देता है। तो हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मा आमिल इब्न आदम मिन आमलिन यौमन नहर अहब्ब इलल्लाह मिन इहराक़ दम व इन दम लयक़ा मिन अल्लाह बिमकान क़ब्ल अन यक़ा बिल अर्द फ़तीब बिहा नफ़्सा, कि यौमन नहर को औलाद आदम का कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी देने से ज़्यादा महबूब नहीं होता, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले वो अल्लाह ताला के बारगाह में कबूल हो जाता है। सो ये खुशखबरी सुन के अपने आप को खुश करो। तो आप ये देखें कि ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान रखने वाला है और वह कुर्बानी अल्लाह के रज़ा के लिए दे रहा है, सुन्नत इब्राहिमी का अदा कर रहा है, और वह ऐसे ही यहाँ खानापूरी करे कोई ऐसा जानवर लेके जो जिससे लोग पसंद नहीं करते देखना, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि ईमान का तकाजा यही है कि जानवर खूबसूरत हो, उसकी उम्र पूरी हो और उसके दांतों से जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो कोई मसनूई ना हो। जैसे आजकल आपको पता है कि वो कोई ऐसे लोग भी हैं कि जो मसनूई दांत लगाते हैं। मसनूई दांत लगा रहे हैं, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई थी, कोई डेंटिस्ट जो है वो पकड़े गए थे जो ये मसनूई दांत लगा रहे थे, एल्फी से दांत जोड़ देते हैं, वो टूटे हुए जो उनके सींग होते हैं उसको पॉलिश कर रहे हैं, ऊपर पेंट किया जा रहा है। तो आप एक ऐसी चीज जो इस्लाम की तरफ से आपके ऊपर है, फर्ज है, आपने करना ही करना है, जिसकी इतनी फजीलत है, इतने उसके फजाइल है, उसके अंदर आप कैसे कोई जो है ना खोट कर सकते हैं, कोई उसके अंदर मिलावट कर सकते हैं, और उसका आपको क्या लगता है क्या ही अजर मिलेगा? और किसी की कुर्बानी खराब करना, ये वही लोग करते हैं ना जो बेच रहे हैं, लेने वाले को तो इतना नहीं पता होता। जी बिल्कुल, तो उसकी कुर्बानी खराब करना ये भी तो एक, मैं तो ये समझता हूँ कि जो शख्स कुर्बानी दे रहा है और उसने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो जानवर को उसकी उम्र के हिसाब से खरीदे, और किसी ने अगर उसके साथ धोखा किया है और इस तरह से मसनूई दांत लगा कर किसी डेंटिस्ट ने कोई कार्रवाई की है, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, और वो वाकई एक इस माशरे के मुजरिम है वो लोग, कि जो ये नहीं देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी के लिए क्या मेयार रखा हुआ है, और वो यहाँ हेराफेरी करके सिर्फ माल कमाने के लिए ऐसा करते हैं, वो लोग तो अल्लाह ताला की गिरफ्त में लाजमी आएंगे। लेकिन जो शख्स नावाकिफ था, उसने अपनी तरफ से कोशिश की है, तो अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद की जा सकती है कि उसकी कुर्बानी को कबूल कर ले। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे बताएं आजकल ये एक नई चीज़ भी चली हुई है कि आपको जानवर घर लाने की जरूरत नहीं,
आप एक कॉल पे बताइए कि ये वाला जानवर जो है इसकी कुर्बानी करनी है, और वो जो है आपको कुर्बानी करके उसको तीन हिस्सों में बना के पैकेट आपके घर जो है वो छोड़ जाएंगे। तो क्या इसके अंदर कोई फर्क है कि जो जानवर घर लेकर आया जाए फिर उस पर हाथ फेरा जाए, क्योंकि इसके भी बहुत सारे जो है कवायद हैं जो आपने फॉलो करने हैं उसके बाद कुर्बानी होती है। बहुत सी चीजें मुस्तहबात सुनन से ताल्लुक रखती हैं कि आप जानवर के पास खड़े हों, आप जानवर खुद तकबीर पढ़ें, जानवर को खुद ज़बह करें और उसके ऊपर हाथ फेरें, उसे नियत करें कि अल्लाह के राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो कुर्बानी की जो आला तरीन मिसाल है वो हैं। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरियाँ होती हैं कि कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क में है और वो यहाँ कुर्बानी करना चाहता है ईद कुर्बानी, तो वो करीब नहीं आ सकता और वो देख भी नहीं सकता, ना वो करीब खड़ा होकर तकबीर पढ़ सकता है ना वो ज़बह कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर एतमाद हो किसी कबर तो पहली बात है कि यहाँ अपने मुल्क में अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं, जैसे लोग इज्तमाई कुर्बानी में हिस्सा डालते हैं तो वो अगर घरों में बैठ के यही लफाफे के इंतजार में रहें तो ये मुनासिब नहीं है। उन्हें अपने जानवर को देखना चाहिए और पूरी गहरी नज़र से देखना चाहिए कि वाकई ये अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाला है, तो देखना चाहिए। ये इसमें जो सुस्ती है और गफलत है ये वाकई कुर्बानी के हवाले से मुनासिब नहीं है, तो लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए। अतः कि आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप ये नहीं कर सकते तो फिर उसमें वो है, लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं, आपके पास जगह है, आप घर जानवर ला सकते हैं और आप वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी कर सकते हैं जो कि सबसे आला एक एग्जांपल सेट की गई है, तो आपको वो सब जो है फॉलो करनी चाहिए। अच्छा जी, कुर्बानी के जो फजाइल हैं और अहमियत है और सवाब है अगर इसके बारे में बात की जाए तो क्या आप बताएंगे? देखिए जी, कुर्बानी की जो अहमियत है वो तो ये है कि ये हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब एक ख्वाब देखा कि अल्लाह तबारक व तआला उनको प्यारी चीज़ ज़बह करने का हुक्म देता है और कुर्बानियाँ करते रहे, लेकिन बिलाखिर वो ख्वाब आता रहा और वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो उनके प्यारे बेटे जिनको अल्लाह ताला से मांग मांग कर लिया था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मतलूब है, तो उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए बेटे के सामने भी ख्वाब पेश किया है, या बुनैया इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा, कि मैंने ख्वाब में यह देखा है कि अल्लाह ताला कुर्बानी का हुक्म देता है, आपकी क्या राय है? तो बेटे ने कहा या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, कि अब वालिद ग्रामी आपको जो अल्लाह का हुक्म हुआ है आप वो कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो कुर्बानी देने के लिए छुरी तक भी चला दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुर्बानी को कबूल करके उसके जगह जन्नत से लाया हुआ दुम्बा ज़बह हुआ है और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। तो उस अमल को अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा पसंद किया है कि वो कुर्बानी के अय्याम में तमाम मुसलमानों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है जो साहिब नसाब हैं, और जब वो कुर्बानी देते हैं तो अब मैं उसको बयान भी कर चुका हूँ कि वो हर बाल के बदले में नेकी है और कुर्बानी के खून अभी ज़मीन पर गिरता नहीं है कि अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। तो ये कितने बड़े बड़ी फजीलत की बात है और कितने बड़े एजाज़ की बात है। और इसमें मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि सबसे जो अहम बात है वो नीयत है। बिल्कुल, कुर्बानी के लिए आप नियत करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर फलां के हैं अच्छा बकरा है तो अगर हमने उससे ज़रा कम लिया तो लोग क्या कहेंगे? लोग बिल्कुल, ये तो बहुत होता है वो जिस तरह वो एक आजकल तो जो बैल को सजाया जाता है उसकी पूरी एक परेड कराई जाती है ताकि सब देखें। तो ये बुनियादी तौर पर कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, ना वो गोश्त खाने के लिए होनी चाहिए ना वो दिखावे के लिए होनी चाहिए, वरना फिर कुर्बानी ज़ाया हो जाती है। इतना पैसा खर्च करने के बाद और इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद अगर किसी की कुर्बानी ज़ाया हो जाए तो उसको क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ ये है कि अपनी नीयत को दुरुस्त करना है और अपने आप को अल्लाह के रज़ा के लिए पेश करें कि वो अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहा है, अल्लाह से दुआ करें और नीयत को खालिस करें, यह बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और सवाल जो लोग पूछते हैं कि इस तरह की बातें कि जिस पर कर्जा हो उसकी कुर्बानी नहीं होती, किसके ऊपर कुर्बानी जो है वो फ़र्ज है और किसके ऊपर नहीं है और किसकी नहीं होती अगर वो कर भी लें कुर्बानी, तो कौन से पहले जिम्मेदारियाँ? जो लोग साहिब निसाब हैं तो उन पर कुर्बानी करना वाजिब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करते तो गुनाहगार होते हैं। ठीक है, और जो साहिब निसाब नहीं है अगर वो कुर्बानी करते हैं तो उनको कुर्बानी का अजर मिलता है, लेकिन अगर वो ना करें तो उस पर उनकी कोई गिरफ्त नहीं है। साहिब निसाब से मुराद ये है कि इसको अगर मुख्तसर अल्फाज में तो 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है, पता नहीं 41,000 ये इसके कुछ ऊपर है, ठीक है, आजकल के दौर में अगर वो किसी के पास है और उसके ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज से बचा हुआ माल है, अगर वो कर्ज उतारा जाए तो ये पैसे इतने उसके पास नहीं बचेंगे तो फिर कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब नहीं है।
اگر آپ قرض کو مائنس کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے تو پھر تو قربانی واجب نہیں ہے. لیکن جو مال آپ کے پاس ہے اگر وہ قرض کو ادا کر بھی دیا جائے اور گھریلو ضروریات کو پورا کر بھی دیا جائے لیکن پھر بھی آپ کے پاس اتنا مال بچ جاتا ہے جو قربانی کا معیار جسے ہم نے نصاب بن جاتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. واجب ہے, ٹھیک ہے. اور جن پہ نہیں واجب وہ اگر پھر بھی قربانی کرتے ہیں تو اس کا ثواب انہیں؟ جی بالکل, ان کو اس کا ثواب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. چونکہ یہ تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی للہیت کا ثبوت ہے کہ واجب نہیں بھی تھی پھر بھی انسان اللہ کی محبت میں قربانی کر رہا ہے. بالکل, سبحان اللہ. مطلب ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس میں قربانی نہ ہو, کہ آپ کے اگر قرض ہے تو آپ کے اوپر قربانی نہیں ہوتی ہے, قبول نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے ہم نے آج غلط فہمی دور کر دی. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم یوم عرفہ کے دن کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بتائیے. کہ یوم عرفہ جو ہے وہ حج کا رکن اعظم ہے, اور یوم عرفہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تکمیل دین کا دن ہے, تکمیل اسلام کا دن ہے. قرآن مجید کی وہ آیت یہاں اسی یوم عرفہ کو ہی نازل ہوئی جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے نعمت کو مکمل کر دیا ہے اور دین کو تمہارے لیے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے ہم نے پسند کر لیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے, تو انہوں نے اسی آیت کا ذکر کیا کہ یہ آیت ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت نازل کہاں ہوئی تھی اور کس وقت نازل ہوئی تھی. یہ میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں یوم عرفہ کو جمعہ کا دن تھا موجود تھے تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ جس میں تکمیل دین ہوئی ہوا جس دن کو تو اس دن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے جو یوم عرفہ ہے اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے. قرآن مجید کے سورۃ البروج میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود, کہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے اور یوم موعود کی قسم ہے اور شاہد اور مشہود کی قسم ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یوم موعود سے یعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے, اور شاہد یعنی حاضری کا دن جو ہے حاضر جو دن حاضر ہے اس سے مراد جمعہ کے دن ہے, اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. تو یوم عرفہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے, اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا فضیلت ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام انسانوں سے عہد لیا تھا جسے عہد الست کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں تمام انسانوں کو ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. تو اس وقت وہ یہی جگہ تھی, اسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگوں سے عہد لیا تھا, اس جگہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. پھر اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے اور اتنے زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ اتنا کسی اور دن میں ایسا نہیں ہوتا. اور سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو یوم عرفہ کے دن ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے اور یہ بات شیطان کو اچھی نہیں لگتی. پھر اسی طرح سے یوم عرفہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے امت کی بھلائی کے لیے اتنی گڑ گڑا کر اور اللہ کی بارگاہ میں ڈوب کر اتنی عجز و نیاز کے ساتھ اتنی لمبی دعا کی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے کاشانہ مبارک سے چادر مبارک نیچے گر گئی. اتنے ڈوب کر امت کی بھلائی کے لیے اور بہتری کے لیے آپ نے دعا فرمائی. پھر یوم عرفہ وہی دن ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تمام جاہلیت کے پیمانوں کو اسی دن توڑ دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آج کے دن کے بعد یعنی جو بیان کیا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, فضیلت کا معیار تقوی ہے. یعنی جس کے پاس تقوی ہے وہی فضیلت والا ہے. چونکہ اس سے پہلے جو معیارات تھے وہ یہی تھے کہ مختلف قبائل اپنی برتری بیان کرتے تھے,
جو عرب لوگ تھے وہ عرب ہونے کے حوالے سے اپنی برتری بیان کرتے تھے, جو گورے رنگ والے تھے وہ کالے رنگ والے سے نفرت کرتے تھے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو سب سے مکرم اور محترم انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے جو جس کے دل میں تقویٰ ہے, تو تقویٰ کو معیار قرار دیا گیا. بالکل, بے شک. آپ نے اتنی خوبصورت بات کی, سوری میں ادھر انٹرپٹ کروں گی, ایک بریک کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. اسی نوٹ پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اگر ہم دیکھیں, ہم اپنے اسلام کا پیغام اگر دیکھیں, تو ہر جگہ ڈسکرمنیشن سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اس دنیا میں ایک انسان کبھی بھی جج نہیں ہو سکتا کسی کے جو ہے اعمال کا, کسی بھی چیز کا. اور یہی جو ہے پیغام ہم ایک پاکستانی ہونے کے تحت ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے ہے. ڈسکرمنیشن, فرقہ واریت, انتہا پسندی, اور یہ جو مائنورٹیز کے حقوق انہیں نہیں ملتے ہیں, اس کے گیسٹ ہم نے جو ہے لڑنا ہے, ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے سارے شہری برابر کے شہری ہیں, یہ پیغام آگے لے کر جانا ہے, اور یہ چیز ہمارے پرچم میں بھی نظر آتی ہے. تو اس چیز کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہی پاکستان کے اندر امن جو ہے وہ قائم ہو سکے گا. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مہکتی مارننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ نعت خواں سلمہ خان نے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. ابھی اتنی خوبصورت جو ہے نعت یہ پڑھ رہی تھی, اتنے خوبصورت کلمات ادا کیے انہوں نے. آپ کی اجازت ہو تو ہم شروع کرتے ہیں, ایک نعت جو ہے وہ بھی سن لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان پہ بات بھی ہو جائے گی ان کلمات پہ. دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا, دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا, لبیک اللہ لبیک اللہ. سانسوں میں رواں ہے, سانسوں میں رواں ہے, سانسوں میں رواں ذکر تیرا, لبیک اللہ لبیک اللہ, لبیک اللہ لبیک اللہ. جھکتا ہی جا جب دیکھا تیرا در مولا, جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا در اشکوں نے مسلسل ورد کیا, اشکوں نے مسلسل ورد کیا, لبیک اللہ لبیک اللہ. یوں سویا بخت جگایا ہے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے, ہمیں اپنے پاس بلایا ہے. کیسے ہو تیرا شکر ادا, لبیک اللہ لبیک اللہ. سانسوں میں رواں ہے, سانسوں میں رواں ہے, سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا, لبیک اللہ لبیک اللہ, لبیک اللہ لبیک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, آپ کی اتنی میٹھی آواز ہے,
اتنی خوبصورت اتنی میٹھی آواز ہے آپ کے, آپ کے تو بس یہی سنتے رہے شعر, اتنے خوبصورت الفاظ ہوں جب اور اتنے خوبصورت کلمات سے جو شروعات کی اس کے بارے میں. جی ماشاء اللہ, ایک تو آواز بہت اچھی تھی اور دوسرا کلمات بہت اعلیٰ ہیں, بہت اعلیٰ بالکل. چونکہ جو کلمات حج کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب 8 ذوالحجہ کو مکہ کی سرزمین سے حاجی احرام باندھے ہوئے اور یہ ایک ہی طرح کے کلمات اونچی آواز سے اکٹھے پڑھ کر مینا کو روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا منظر ہوتا ہوگا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتھر دل بھی اگر ہوں تو وہ بھی پسیت جاتے ہیں, تو کوئی رہ نہیں سکتا ہے, کوئی بانچ جائے کسی طرح سے وہاں پر, اور جو کوئی ازلی بدبخت نہ ہو بلکہ کسی طرح سے بھی پہنچ گیا, کوئی جیسا گناہ گار ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آنسو کو روکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور یہ اتنے پیارے کلمات ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے, اس کا شکر بھی ہے, اور اس کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے, توحید بھی ہے, شرک کی نفی بھی ہے, اور کلمات کی سیٹنگ ایسے ہے کہ میرے خیال ہے کسی زبان میں اس طرح کی سیٹنگ ہو نہیں سکتی, نہیں ہو سکتی. اور ان کا ترجمہ جو کلمات پڑھتے ہوئے روح میں اترتا ہے اس کو آپ اردو میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے بیان نہیں کر سکتے ہیں, تو بہت خوبصورت تھا. سبحان اللہ, آپ نے بہت خوب بیان کیا اس کو, یہاں بیٹھ کے یہاں سن کے اگر اس انوائرمنٹ میں اگر آپ کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے, تو کتنے وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو وہ منظر دیکھتے ہیں, جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں, جن کو یہ حاصل ہوتی ہے یہ خوشی ان کی زندگی میں کہ وہ حج پر جاتے ہیں اور وہ جو ہے واپس آتے ہیں, کہ آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. اور کہتے ہیں یہ ایک بلاوا ہوتا ہے, جب تک وہ بلاوا نہ آئے تو آپ نہیں جا سکتے, تو اپنی زندگی کو ایسے ہی جینا چاہیے. میں ایک سوال جو ہے پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب یہاں پہ, جو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ ایک کہاوت ہے نا بہت مشہور, پھر وہ تو میں یہاں پہ بیان نہیں کروں گی, سب کو پتہ ہے کہ بہت ظالم ظالم لوگ جو زندگی میں بہت لوگوں کا دل دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک دن انہیں یہ جو ہے موقع ملتا ہے اور وہ حج پر جاتے ہیں, تو کیا یہ واقعی ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جو اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے, یا وہ جب واپس آئیں گے اور واپس اسی زندگی میں چلے جائیں گے تو اس کا کیا؟ دیکھیں جی, جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلی تو بات یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور اپنے گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تائب ہونے کے لیے جائیں. ان کی نیت یہ ہے, ان کی نیت یہ ہونی چاہیے, اور جو لوگوں کے حقوق ضبط کیے ہوں اور ظلم کیا ہوا ہو ان لوگوں سے معافی مانگیں. اس لیے آج ہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے مل کر جاتے ہیں اور معافی مانگ کر جاتے ہیں, حقوق کسی کے ضبط کیے تو وہ حقوق واپس کر کے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی نے لوگوں پر ظلم کیے ہوئے ہیں, حرام کی دولت جمع کی ہوئی ہے اور وہ اسی سے حج کے لیے جا رہے ہیں, بالکل, اور پھر وہ تبدیل ہونے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, وہ یہ کہلوانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم بھی حج کر کے آئے ہیں, اور وہاں اس فضا سے ہو کر بھی جب واپس آتے ہیں تو پھر بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, تو یہاں پر تو پھر وہ بات نہیں ہے نا. یہاں وہ جو اجر ہے اور جو نیکی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حج کرتا ہے اور اس میں رفث نہیں کرتا, یعنی بے حیائی اور بری باتیں نہیں کرتا ہے اور پھر وہ ظلم نہیں کرتا ہے, تو پھر وہ واپس آتا جب پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور گناہوں سے تائب ہو کر, تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے. تو جو لوگ بھی اس بھٹی میں جاتے ہیں وہ ظاہر ہے اس سے باہر جب نکلتے ہیں تو وہ ایک سچے اور پکے بہترین انسان بنے ہوتے ہیں. لیکن یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ حج کو ہمیں ایک رسم نہیں بنانا چاہیے کہ ایک رسم کے طور پر لوگ گئے ہیں وہاں پر, تو ہماری صفیں بھی سیدھی ہوتی ہیں اور لوگ تو ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں, ایک ہی کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو یہاں آ کر ان کی صفیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. بالکل, یہاں آ کر وہی فرقہ واریت اور وہی تعصبات اور وہی انتشار و افتراق جو ہے وہ ہوتا ہے. ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل. حج کے جو ہے وہ ثمرات و نتائج نظر آنا چاہیے. امت مسلمہ کا نمائندہ اجتماع جب پورے عالم میں بکھرتا ہے تو اس کی برکتیں اور رحمتیں نظر آنی چاہیے, نظر آنی چاہیے کہ یہ حج کر کے آئے ہیں. اچھا, اور ایک یہ بات میں یہاں پر کہتی جاؤں کہ مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ حج جو ہے وہ جو اسلام کے 5 رکن ہیں, فرائض ہیں, ان میں سے ایک ہے. اس کا مطلب اس کے اندر آپ کے پاس کوئی لینینسی نہیں ہے کہ آپ کر لیں یا آپ نہ کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں, جس طرح آپ کو ایک مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے پاس صحت ہے اور آپ جا سکتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں, تو آپ کو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چیزیں. ہاں ہاں,
कि बिल्कुल बड़ी आपने अहम बात यहाँ याद कराई है कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि जो साहिब सरवत हैं और वो हरम के करीब रहने के बावजूद भी ऐसे लोग भी हैं कि जो नहीं जाते हैं, ऐसे बदकिस्मत ऐसे लोग भी हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जो जाना तो चाहते हैं लेकिन वो सुस्ती करते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा अगले साल जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, जरा बढ़ापे में जाएंगे, इसलिए कि ये बहुत बड़ी सुस्ती है क्योंकि इंसान को क्या पता है कि वो कल जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल। और फिर जो जवानी में हज है, जो जब ताकत होती है वहाँ पर सफर करना पड़ते हैं, आप जाते हैं मक्का से मीना जाते हैं, मीना से अरफात जाते हैं, अरफात से मुजदलफा जाते हैं, मुजदलफा से फिर मीना आते हैं, फिर दोबारा हरम शरीफ आते हैं, फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत के बाद फिर जाते हैं मीना में। तो ये सफ़र तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पैदल चलना पड़ते हैं। बिल्कुल। और फिर रश भी होता है, अगर वो ट्रैफिक भी है तो फिर भी उसमें बीमार लोग और बहुत बुढ़ापे में जो लोग चले जाते हैं उनकी नस्बत जो लोग सेहतमंद होते हैं और जवानी में होते हैं, अगर उन पर हज फर्ज है तो उनको इस उम्र में करना चाहिए, ये ज़्यादा फजीलत की बात है। ज़्यादा फजीलत की बात है। इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अगर हमें एक और खूबसूरत कलाम सुना दीजिए। Allahumma labbaik Allahumma Allahumma labbaik Allahumma Khatim jahan nahi hai Madine ki sarzameen har dil mein jaguzi hai Madine ki sarzameen Khatim jahan nahi hai Madine ki sarzameen har dil mein jaguzi hai Madine सरजमी जिस नूर से बनाई गई अर्श और फर्श जिस नूर से बनाई गई अर्श और फर्श उस नूर की अमी है मदीने की सरजमी उस नूर की अमी है मदीने की सरजमी मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा, हम जो है आपने हमसे फरमाइश की थी कि गोश्त की आपने जो है हमें कुछ डिशेस बतानी है और आपने पाए बताने हैं, तो हमने सोचा कि हम आपको गोश्त की एक डिश बता देते हैं। पाए जो है ना, वो जब हम सबकी कुर्बानियां घर पे हो जाएंगी फिर हम उसमें से पाए निकाल के बना के ला के आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो क्या बना रहे हैं माजर? आज हम बना रहे हैं मटन मसाला।
मटन खड़ा मसाला, क्या बात है जी। ये तो बड़े जल्दी जल्दी बनने वाली डिश होती है, हाई फ्लेम पे, है ना? हाई फ्लेम पे जल्दी। वाह जबरदस्त। अच्छा हमने कौन सा इसमें कट लिया है, सॉफ्ट वाला? हाँ सॉफ्ट वाला लिया हमने, नेक का लिया इसमें। अच्छा, नेक का जो मीट होता है वो जल्दी गल जाता है। अच्छा जबरदस्त। बाकी ये जो होता है पुठ वगैरह और मछली और इधर उधर जो चीजें होती हैं इसकी, वो जरा लेट गलती हैं। अच्छा। जो गर्दन का गोश्त होता है टेस्ट भी होता है। अच्छा। और अपना क्या गलाई में भी जल्दी आ जाता है। अच्छा ठीक। होटल में जब भी मेरा भी मूड हो ना तो मैं गर्दन का गोश्त ही लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपने अगर कोई भी झटपट बनानी है डिश तो आप जो है गर्दन का गोश्त इस्तेमाल कर। ठीक है जबरदस्त, सही है। तो क्या है इसकी रेसिपी बताइए? इसकी रेसिपी बड़ी आसान है। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी होगी, सूखा धनिया पाउडर है, ये गर्म मसाला है जो खड़ा है, ठीक है, साबत है ये, ठीक है। लड़ा मिर्च इस्तेमाल करेंगे, होल चिली इस्तेमाल करेंगे इसमें, और गार्लिक है, सॉल्ट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जिंजर गार्निशिंग के लिए, ग्रीन कोरिएंडर गार्निश और ग्रीन चिली भी है गार्निश के लिए। इसमें योगर्ट यूज़ करेंगे हम, ऑनियन है, ठीक है, टमाटो है, ठीक है, ठीक है, और मटन है। ठीक है जबरदस्त। अच्छा इसमें मैरिनेशन होगी पहले? इसको मैरिनेशन नहीं होगी, डायरेक्ट पकेगा। डायरेक्ट पकेगा, ठीक है। हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं और इसकी एक बार रेसिपी भी बता देते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हमने बता दिए, इसकी तरीका भी बता देते हैं। इसका तरीकेकार ये है कि पहले हम मटन लेंगे, इसमें डाल देंगे, इसके साथ प्याज डालेंगे और टमाटो डाल देंगे और पानी डालेंगे, ठीक है। उस पर ये होगा कि ये इसको हम थोड़ा सा जिसको कहते हैं बबलिंग, बॉयल करेंगे ना इसको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा फिर हम इसके साथ ऑयल के साथ इसकी बुनाई करेंगे योगर्ट के साथ। अच्छा ठीक है। इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल के ना, ठीक है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स भी आप पहले डाल दें, जैसे लाल मिर्च है, नमक है, लहसुन है, हल्दी है, सूखा धनिया है, साथ साथ ही फ्राई करना। अच्छा इसमें इसकी स्मेल तो नहीं रहेगी, क्योंकि मटन की स्मेल हटाना बड़ा मुश्किल होता है। स्मेल नहीं, जब आप गार्लिक यूज कर रहे हो तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता इसकी स्मेल में, ठीक है। मतलब आपने गार्लिक अगर यूज करना है उसमें अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे तो इसकी जो है स्मेल भी चलेगी। दो तरीके हैं ना, एक इस तरह है और एक इस तरह के, ऑयल डालें पहले, मटन को डाल दें और साथ ही गार्लिक डाल दें, उसमें अच्छी तरह, ठीक, सही सही है ना, उससे ज्यादा जल्दी स्मेल चली जाती है। जब ये बॉयल भी हो जाएगा, गार्लिक तो बीच में ही है ना, उससे क्या होगा इसकी स्मेल नहीं आएगी, स्मेल चली जाएगी, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। और आपसे ईद पे तो कॉल, अभी से एडवांस ईद मुबारक हो रही है, है ना? बस ठीक है जी, खैर मुबारक। फिर तो मुझे बताएं क्या कुर्बानी हो रही है इस दफा? हाँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, और कुर्बानी भी होगी, और शेफ उनको भी अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, बड़ा अच्छा सा बना रहे हैं ये। हमें ये शेफ साहब आपको भी सलाम का है। जी भाई सलाम। अच्छा मुझे इसलिए लगा कि ना मेरे बहुत से खाने ना सोन के, हम लोग ना इसे सोन के कहते हैं, बाद में ऑयल डालते हैं ना, अच्छा तो उसको, हाँ तो सोन के, तो इसमें जो आप कह रही ना मटन की जो स्मेल है इसमें आएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि सोन के जो है बाद में ऑयल है। अच्छा, तो इसका ना ये जरूर देखिए। और मुझे एक फरमाइश भी करनी थी, मटन स्टू है ना शेफ से बोले, अच्छा सा मटन स्टू, मशन स्टू, ठीक है, मटन सिखा देंगे आपको, जल्दी सिखा देंगे आपको, वो भी सिखा देंगे बड़े, वो बहुत मजे का बनता है। स्लो कुक रेसिपी मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है, सब कुछ आप एक ही दफा डाल दो, उसको कवर कर दो और फिर वो बन जाता है। अच्छा मुझे ज्यादा बताएं आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है ईद की, बड़ी ईद की? बड़ी ईद की मैं कीमा जो है ना बहुत अच्छा बनाती हूँ। कीमा? कीमा हाँ, तो मेरे ना डिश जरूर होती है बस ईद में ना, कटे मसाले का कीमा जो है फेवरेट है मेरा ना, ये पूरे खानदान में, खानदान में होता है ना, हमने जाके जायदा के हाथ का जो है वो कीमा खाना है। तो कैसे बनाती है? बेटी के ससुराल वाले भी ना बहुत पसंद, उनकी दावत करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, उनको खास है ना, मतलब वो कहते हैं कीमा जरूर हो। बस ज्यादा मैं जब भी कराची आऊंगी ना आपसे मेरी मुलाकात जरूर होगी इंशाल्लाह। आए ना आप लोग, तो कराची आते ही नहीं, लिफ्ट ही नहीं कराते कराची को, एक बार शो तो करें कराची में। नहीं नहीं मुझे बहुत पसंद है जी आप सब कराची वाले, और इंशाल्लाह ख्वाहिश है मिलने की। अच्छा मैं तो इस्लामाबाद भी गई थी दिसंबर में,
मैंने कहा मैं मिलूंगी, बस हम लोग फौरन ही वहाँ थोड़ी देर रुके और एयरपोर्ट से वहाँ निकल गए थे। बस टाइम नहीं होता ना, मैं तो बड़े सेल्फिश मकसद से आऊंगी ना, मैं तो खाना खाने आऊंगी आपके हाथ का। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप आए और हम मेहमान नवाजी ना करें तो बस ठीक है। ठीक है तो ज्यादा ये हमारा जो है ना पक्का वादा हो गया फिर। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, चले जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अच्छी सी ईद गुजारिएगा और बहुत खुशी होती है आप लोग हमें कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा हमने इसमें क्या कुछ डाल दिया? हमने इसमें अभी मटन डाले, ठीक है, इसमें सॉल्ट डाल दिया हमने, रेड चिली पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल दिए, गार्लिक डाल दिए, लड़ा मिर्च डाल दी हमने, ठीक है, और बस इसको हमने पानी में जो है रख पानी में डाल दिया। अच्छा मैं ना उस वक्त से, क्योंकि मुझे पानी नजर नहीं आया था, पानी जो हमने आ रखा था, तो मैं उस वक्त से कह रही है क्यों कह रहे हैं कि हम उसको बॉईल करेंगे बॉईल करेंगे। अच्छा अब मुझे समझ आई है कि इसमें जब इसने एक दफा लहसुन के अंदर बॉईल हो जाना तो उसकी वैसे स्मेल खत्म हो जाएगी। जबरदस्त। अच्छा इसको हमें अभी छोड़ना होगा ताकि गोश्त नरम हो जाए, इसके अंदर अच्छी तरह फ्लेवर चले जाए। आपको मैं एक बात बताती चलूं कि पाकिस्तान के सब शहरी बराबर के शहरी हैं, ये बात प्लीज अपनी अकल में बिठा लें। अपने अंदर से एहसास बर्तरी वाला या एहसास कमतरी वाला एहसास जो है वो निकाल दें। सब हम बराबर के शहरी हैं। ये फिरकावारियत, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इंतहा पसंदी, ये सब चीज़ें हमने अपने मुल्क से निकालनी है। ये सब चीज़ें जब निकल जाएंगी उसके बाद ही हमारा एक पुरअमन पीसफुल प्यारा सा जो है हमारा खूबसूरत सा मुल्क है, ये दोबारा एक सीधी राह पर जो है चलना शुरू हो जाएगा और हम सब एक साथ मिलकर बराबर शहरियों की तरह अगर रहेंगे, पहले हम एक दूसरे को इंसान समझेंगे, उसके बाद हम ये जो लेबल्स दुनियावी हम लोगों को लगानी पड़ती हैं एक दूसरे के ऊपर, ये बाद में नजर आएंगी। पहले हमें एक इंसान नजर आएगा, एक पीसफुल तरीके से रहने का जो है रीजन नजर आएगा, तो ही जो है एक पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा और एक पुरअमन फ्यूचर जो है वो लेकर आगे चलेगा। तो प्लीज़ अपने अंदर से भी ये सारी चीज़ें निकालें, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है, अगर आप टीचर्स हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपके ऊपर ये फ़र्ज है, अगर आप कम्युनिटी लीडर्स हैं, आप मदरसों में हैं, आप आलिम हैं, जो भी इन अ पोजिशन ऑफ पावर इंसान है, इस वक्त मैं यहाँ बात कर रही हूँ कैमरे के ऊपर, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये बात एक अमन की बात कि प्लीज़ हम सब ने मिलकर एक राह पर इस प्यारे पाकिस्तान को जो है अच्छी तरह आगे लेकर जाना है, पुरअमन जिंदगी गुजारनी है, पीसफुल रहना है, और ये सारी जो इस तरह की बलाएं हैं, जो इंतहा पसंदी है, फिरकावारियत है, और ये जो हमारी माइनॉरिटीज के हकूक हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसकी ईवल्स जो हैं वो ख़त्म करनी है और सबको इक्वली आगे लेकर चलना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और आगे जितने खूबसूरत त्यौहार आते हैं हमारे जो मिल के गुजारते हैं, खुशी का समा होता है, तो इसके अंदर जो है सबको याद रखा करें और ये जो पैगाम है ये ना भूला करें। हमारे परचम के अंदर सबसे खूबसूरत निशानदेही होती है इसकी कि सब यहाँ पर बराबर के शहरी हैं। जो 11 अगस्त को कायदे आज़म ने बात की कि एक नया मुल्क जहाँ पर आपको जो है रिलीजियस फ्रीडम हो, कि वहाँ पर जिस तरह मुसलमानों को ओप्रेस किया जाता था, हमें अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं थी, तो हमें ये लैंड दिया गया जहाँ पर हम फ्रीली अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें, और जो बुरी मिसाल बाकियों ने कायम की कि वो ओप्रेस करते थे हमें, वो बुरी मिसाल हम कायम ना करें, वो मकसद डिफीट ना करें कि यहाँ पर जो है सिर्फ हम अपने रिलीजन को आगे लेकर चलें और बाकी सबको दबा दें, माइनॉरिटीज़ को दबा दें, ऐसा करना जो है बिल्कुल भी ना ही एम था, ना ही वो विजन था, और उसको डिफीट हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो ज़रूरी है हर दफ़ा रिपीट करना। हमारे साथ एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सुंदर, बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और आजकल जैसे आपको पता है कि आज का दिन मसरूफ ही गुजरेगा, तो कोई मुझे कीमे की बहुत झटपट किस्म की रेसिपी अगर पता चल रहा है कि कीमा, क्योंकि ये इसमें सारा कुछ मिक्स होता है, बहुत ज्यादा वो नहीं होता, ऑयली सा चिकना वगैरह सभी होता है, ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो जाती है, तो बगैर पपीते के अगर कोई कीमे की क्विक रेसिपी है तो वो मुझे जरूर बताएं। बगैर पपीते, ऐसे मुझे तो लगा था पपीता कीमे में डालते ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही जो ना रेजा रेजा हो जाता है, फिर तो कीमे की रेसिपी ये शेफ वसीम आपको बताते हैं, कोई अच्छी सी तेज सी जल्दी से झटपट जो कीमा बन जाए। कीमा की ये कह रहे हैं कि उसमें पपीता ना डालें, तो ये है कि आप उसको देखिए झटपट, तो मटन या कोई भी बीफ है वो झटपट आप तैयार नहीं कर सकते जब तक कोई इसमें आप चीज नहीं डालेंगे, या आपने ठीक है मीट ग्लाइजर नहीं डालेंगे, हाँ। या पपीता नहीं डालेंगे, तो ये झटपट तैयार नहीं हो सकता। ये जो कह दे कि मैं जी जल्दी से तैयार कर दूं तो नथिंग, ठीक है ना, उसको क्या होता है, उसको फिर आप ये ऐसा कर सकते हैं कि जब आप सारे मसाले वगैरह जिस तरह आप ये मैंने सब कुछ डाल दिया है, इसको डालने के बाद इसको आप कवर करें,
ठीक है, कवर करने के साथ इसको आटा लगा दें, ठीक है, और इसको छोड़ दे 15-20 मिनट के लिए, ठीक है, और 15-20 मिनट के बाद उतना पानी डालें कि जितना मतलब इसके अंदर मीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे ना तो आप उसको देखेंगे आपका नरम हो जाएगा मीट, ठीक है। फिर उसके अंदर आप ऑयल डालें, ये इंग्रीडियंट्स जो भी पड़े हुए हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पर लाल मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, ठीक है, नमक है, ऐसी चीजें डालें, इसको डाल के इसकी भुनाई करें, दही उसके अंदर ऐड कर लें, और ये देखें कितना जबरदस्त टेस्ट भी आएगा, टेस्ट आपका बन जाएगा और बहुत अच्छा बने। और अगर आपने कोई झटपट चीज बनानी है तो उसके लिए आप ये कीजिए कि जिस तरह अभी हिस्से होंगे ईद पे, तो उन हिस्सों में से कुछ, जिस तरह अगर आपके घर में चार लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं और जितना भी आप हिसाब से खाना बनाती है, उनको ऑलरेडी मसाले लगा के रख लें, कीमा है, टेंडराइजर डाल लें उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, उसके अंदर थोड़े से मसाले डाल लें, उसको फ्रीज कर दें, उसके बाद कोई मेहमान आए, आपने झटपट बनाना है, उसको निकाला, डीप फ्रीज किया और बना लिया तो झटपट बन जाएगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि उसी वक्त अगर ताज़ा कीमा है तो उसको आप झटपट नहीं बना सकते, फिर या उसमें स्मेल रह जाएगी या वो कच्चा रह जाएगा, वो सख्त रह जाएगा, तो ऐसा ना करें, सख्त रह जाता है ना, हाँ रह जाता है बिल्कुल, तो आप पहले से अगर फ्रीज करके रख लें डिफरेंट डिशेज जो है मटन की है वो वगैरह, उसके बाद उसको जल्दी से बना सकते हैं। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेकर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। तैयार हो रही है हमारी रेसिपी, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पहले बॉईल होगी उसके बाद उसको हम फ्राई करेंगे, जब ये सूखी सूखी हो जाएगी तो ये खड़े मसाले के साथ तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच शेफ वसीम फॉर बीइंग विद अस। और आपको जो है तैयार रेसिपी भी हम दिखाते हैं। इससे पहले एक दफ़ा मैं आपको दोबारा ये बताती चलूँ कि सब शहरी बराबर के शहरी हैं, किसी को कमतर किसी से बरतर हमने अपने आप को नहीं समझना है और सबको एक साथ लेकर चलना है। पीस जो है वो अल्टीमेट गोल है हमारा, सबको मिल के रहना है यहाँ पर, और कोई जो है ऐसी आदत नहीं अपनानी, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे किसी और की दिल आजारी हो और जिससे माशरे के अंदर कोई भी इस तरह का जो है वो चीज़ पैदा हो जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह ताला आपको और हमारे इस मुल्क को अपने ज़मान में रखे।